So today I will tell you a very simple concept. जिस concept को आपको समझ के एक research aptitude का पूरा idea होगा कि research aptitude होता क्या है. सबसे पहले the term research, re plus search, दो words से बनी है, that is re and search. Search का मतलब हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि search होता है कोई चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को find करना और किसी चीज़ के बारे में खोजना. Exactly. लेकिन search री का मतलब यहाँ पे आ जाता है किसी चीज़ को फिर से दोबारा देखना, किसी चीज़ के बारे में फिर से दोबारा छानबीन करना या किसी चीज़ के बारे में फिर से एनालाइज करना. तो कभी भी आपका कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये चीज़ आती है कि रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च होता क्या है, तो इसका मतलब है फिर से चीज़ को देखना, एनालाइज करना, उसके बारे में फिर से एनालिसिस लेना. अब हमें रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी ऑल नो कि चेंज लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ सटन है. लाइफ में कुछ भी सटन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है, दैट इज सटन. हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, चाहे वो प्रकृति में बदलाव आ रहा है, चाहे हमारे बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, चाहे हमारे नीड्स में बदलाव आ रहा है, चाहे हमारे डिमांड्स में बदलाव आ रहा है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, जो चीज़ें पहले एक मतलब रिलायबल थी, जिन पे हम रिलाई कर सकते थे, अब नहीं कर सकते. जैसे अब कोविड के टाइम पे आपने ये चीज़ें देखी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे हमें अपने फोर वॉल्स तक सीमित रहना पड़ेगा, जहाँ पे हमें चीज़ों को टच करने से पहले भी सोचना पड़ेगा. इतना ज़्यादा एकदम ऐसा पैंडमिक क्रिएट हुआ जो शायद कभी किसी ने नहीं सोचा. तो चेंज हुआ, उसके बाद हमने इसके लिए वैक्सीन्स बनाई, बाकी सब चीज़ें की, जैसे हमारे मास्क आए, सैनिटाइजर्स आना स्टार्ट हुए. तो ये सब चीज़ों पे हमें एनालाइज किया कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे. इसलिए रिसर्च हमेशा से ज़रूरी थी, ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी रहेगी. अब रिसर्च का एक अगर हम इसको ब्रेक करके देखें कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल वे में आप KVS मदान में ये देख सकते हो, उन्होंने ही इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. सो हम इसको समझेंगे. आर का मतलब यहाँ पे होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि भाई हमें यहाँ बाइस नहीं होना है, एकदम हमें रैशनली सोचना है. एक्सपर्ट एंड एग्जेस्टिव ट्रीटमेंट, हमें यहाँ पे एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप बिगनर हैं तो आप अभी से अपने डिसीजंस लेंगे, नहीं, चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकली उनको ऑब्जर्व करेंगे, देन जाके आप एनालाइज करेंगे. एस का मतलब सर्च एंड सोल्यूशंस, ऑब्वियस सी बात है, हम सर्च करेंगे एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए तो रिसर्च हो रही है ना. हम किसी चीज़ की फाइंड करेंगे प्रॉब्लम और उसको हम सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद हम उसका सोल्यूशन भी देंगे. एग्जैक्टनेस, ऐसा नहीं आपका स्कोर 10 में 3 आ रहा है, आप 5 लिखोगे, 5 आ रहा है, आप 10 लिखोगे, नहीं, आपको एग्जैक्ट लिखना है जितना भी वो चीज़ हो रही है, जैसे भी है एनालाइज करोगे, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स क्रिएट करोगे और क्रिटिकली ऑब्जर्व करोगे. ऑब्जर्व करना होता है देखोगे. अब बहुत बार हम केस स्टडीज़ करते हैं. केस स्टडीज़ क्या होता है, हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी को प्रोडक्ट करते हैं, किसी को वॉच करते हैं, तो उस चीज़ में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, केयरफुल प्लानिंग करेंगे, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखेंगे एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन होगी. और ऑब्वियस सी बात है, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क तो होना ही चाहिए, बिकॉज आप कभी भी किसी और की सर्च जो की चीज़ें की है, एनालाइज की है, किसी और ने मेहनत की है, उसको अपना वर्क नहीं बता सकते हो. दैट इज अगेंस्ट इथिक्स, दैट इज अगेंस्ट मॉरालिटी. अभी हमारे रिसर्च में क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कोर्स में, तो मैंने इन डीप में ये सब चीज़ें बताई है अलग से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फ्रेम इसीलिए बता रही हूँ सो दैट आपके पास एक सामने सामने एक अच्छा सा डाटा प्रेजेंट हो, जो आप अपने पास एक अगर आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रखो, ताकि आपको पता चले कि स्टेप क्या क्या है. आप जितने भी सवाल होंगे रिसर्च में वो इसी के आगे पीछे इन्वॉल्व होंगे, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से रखना है. सबसे पहला स्टेप, ये बहुत बार क्रॉनिकल वे में भी बनाने के लिए आ जाते हैं कि स्टेप्स कैसे हैं, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, राइटिंग, दूसरा आता है आपका प्रिपेयरिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, तीसरा आता है डेवलपिंग डाटा, चौथा आता है सिलेक्टिंग सैम्पल्स, फिर राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा एंड राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट. ये सब एकदम सिस्टमैटिक वे में चलेगा. सबसे पहले बहुत एक क्लियर बात, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. आपने क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं
कि आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है आईसीटी, हम उसको एजुकेशन में और बेटर वे में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्राइमरी डाटा भी होगा और सेकेंडरी डाटा भी होगा। हमारा प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जब हम क्या करेंगे, कहीं जाएंगे जैसे किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंडरी डाटा क्या होगा, हम जो किताबें उससे रिलेटेड हैं उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैरी करते हैं। हो सकता है कि दिल्ली जैसी स्टेट में आईसीटी प्रोवाइड करवाना, मतलब बच्चों को आपका कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना इजी है, लेकिन आप उत्तराखंड जैसी फार फ्लंग एरिया में, वहाँ पे ये चीज़, आप वहाँ पे 4G नेटवर्क्स, 5G नेटवर्क्स, बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो, तो वो वेरिएबल करेगा। तो हमें वो कैसे वेरिएबल्स हैं, क्या चीज़ें होगी, और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हमेशा हमें एक हाइपोथेसिस लेनी है, या तो हमारा जो सवाल है जो हम खोजना चाहते हैं वो सही प्रूव होगा, या तो वो गलत प्रूव होगा। तो वो क्या हो गया, हमारा हाइपोथेसिस। देन हम क्या करेंगे, एक प्रिपेयर करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। ऑब्वियस सी बात है, हमें जब भी कुछ बनाना है, अगर हमें कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, कुछ भी, हम एक रिसर्च करते टाइम हम एक डिज़ाइन फॉर्मुलेट करेंगे। अच्छा, इतने कमरे चाहिए होंगे, ऐसा गार्डन चाहिए होगा, पार्किंग चाहिए होगी, हम सब ध्यान में रखेंगे ना। वैसे ही रिसर्च करते टाइम हमें क्या करना है, प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर देखना है, डिज़ाइन देखना है कि हम उसको कैसे करेंगे, क्या वो चीज़ एक्सपेरिमेंटल है, क्या वो चीज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बियॉन्ड है। अब बहुत सारी सी चीज़ें, किसी के इमोशंस है, आप व्यू जानना चाहते हो लोगों के, क्या वो प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश है। प्रैक्टिकली तो आप वोट करके देख लिया, लेकिन अगर आप उनकी इमोशंस देखना चाहो, क्या वो रजामंद है, तो आप वो चीज़ मेजर नहीं कर पाओगे, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी। डेवलपिंग डाटा कलेक्शन। अब ऑब्वियस ही बात है, आप रिसर्च कर रहे हो, आप डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ डाटा भी होते हैं, उसके बाद आपको देखना है डायरेक्ट डाटाज है आपका, कलेक्टिव डाटा है, कौन से प्रकार का डाटा है, कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे, क्या आप उस चीज़ को लिख सकते हो, क्या आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, या आपके उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हो सकता है कि हम बहुत एक ही सैम्पल को बहुत लंबे टाइम के लिए ऑब्जर्व करें, या तो ऐसा हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एकदम जाएं और उस कॉलेज में एकदम लिख दे रिपोर्ट्स, अच्छा, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने बच्चे इससे पढ़ पा रहे हैं, तो हमारा एक सलूशन मिल जाएगा। देन हमारा आता है, हमें कैसे करने हैं सैम्पल। सैम्पल क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल, हमारे पास 1,000 स्टूडेंट्स है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम पर्सनली 1,000 स्टूडेंट्स को नहीं टैकल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनमें से एक सैम्पल चुन लेंगे 100 बच्चों का, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ से भी पूरी हो जाएगी, उनके पास वही क्लास है, सेम बैच है, सेम टाइमिंग है, हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पे इक्वली सबके आने के चांसेस हो, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पे सबके आने के एक साथ चांसेस नहीं हो। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, आप मान लो हम खेलते हैं कभी गेम्स, हम जार में टिकट्स रखते हैं किसी किसी के नाम पे, वो सबके लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि सबको भी आ सकता है और किसी को भी नहीं आ सकता है। और देन हम अपना प्रपोजल कैसे लिखते हैं, हमने क्या था, हम किस चीज़ के बारे में खोज कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे थे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या फ्रेम किए कि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, कैसे इम्प्रूव करना है और वो कैसे बेनिफिट हो सकता है। हमने डाटा वगैरह कहाँ से कलेक्ट किया उनके बारे में पूरा मेंशन करना है। उसके बाद हम अपने हिसाब से एडिटिंग करेंगे, देखेंगे क्या हमारी हाइपोथेसिस सही प्रूव हुई कि नहीं हुई, क्या वो एग्जैक्ट थी या वैसी नहीं थी। देन एट द एंड हम क्या करेंगे, एक राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले टाइटल पेज होगा, टेबल ऑफ कॉन्टेंट, जैसे आपने इंडेक्स देखा है, आप कोई बुक परचेज करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है पेज नंबर दिस टू दिस, 1 to 10 ये चैप्टर है, 12 to 13 ये चैप्टर है, 30 to 40 ये चैप्टर है। हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन टॉपिक है। आप ईवीएस की कोई बुक लाते हो, आपको पता चल जाता है इसमें इकोलॉजी के बारे में है, इसमें इकोसिस्टम के बारे में है, इसमें ओजोन लेयर डिप्लीटेशन के बारे में,
वैसे ही टाइटल जो टेबल ऑफ कंटेंट है वहाँ पे हमें सब चीज़ें दिखानी पड़ती है कि हमने किस चीज़ चीज़ के बारे में लिखा। देन आपका चैप्टर्स क्या, आपकी रिसर्च क्या है, कैसी है। देन बिब्लियोग्राफीज, आपने क्या यूज़ किया, आपने ये रेफरेंस कहाँ से लिया, किसको देख के आपने ये यूज़ किया, कौन सी स्टडी थी। और देन अपेडिक्स, आप आगे अगर वो बंदा जो भी आपकी रिसर्च पढ़ता है फर्दर वो जानना चाहता है आपके बारे में या आपकी रिसर्च के बारे में या जहाँ से भी आपने हेल्प ली, आप उसको एपिडिक्स दे सकते हो कि भाई आप यहाँ यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो। अब अपने कोई भी बुक खरीदते हो, कोई स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ पे अब उस बुक को देखना, पहले कवर में आपको इंडेक्सेस मिलेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेंगे, राइटर के बारे में मिलेगा, और उसके बाद चैप्टर्स होंगे। जब आप एंड पे आओगे तब जहाँ पे वहाँ पे ग्लॉसरी होगी, कोई जो मेन डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स होंगे, और देन एंड पे क्या होती है, रेफरेंस एंड एपेडिक्स में होती है। या तो आपका जो चैप्टर होता है जब आप बुक पढ़ रहे होते हो, जो सबसे कभी कभी कुछ थिंकिंग थिंकर्स की बुक्स में क्या होता है, नीचे एक छोटी सी लाइन दी होती है, वहाँ पे किसी थिंकर का रेफरेंस दिया होता है। ये क्यों होता है कि अगर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि ये वर्ड्स किसके थे तो उसको पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च वर्ड का मतलब क्या होता है। रिसर्च वर्ड का ही मतलब बहुत बार पूछ लिया जाता है। रिसर्च वर्ड का सिंपल मतलब होता है फिर से सर्च करना। जब भी हम किसी चीज़ को फिर से जानने की कोशिश करते हैं, फिर से उसके बारे में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक्रम बोला है आपको, जैसे रिसर्च का दैट इज़ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, एक्सपर्ट एंड एग्जिस्टिव ट्रीटमेंट, सर्च एंड सोल्यूशन, एग्जैक्टनेस, एनालिसिस, रिलेशनशिप। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में हो सकता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, लेकिन हम फार फ्लंग पहाड़ी इलाके में जाएंगे, वहाँ नहीं हो वो चीज़ें अवेलेबल, तो हमें वो चीज़ें भी समझनी है, हमें उनको कोरिलेट करना है। और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी करनी है, क्या हमने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की वो सही है, सही नहीं है, गलत है, ठीक है या ठीक नहीं है। केयरफुल प्लानिंग करनी है, हैपजर्डली नहीं कर सकते हो कि उठो चलो भाई चलो, आपने कहीं जाना है, आपके पास प्रॉपर पेजेस होने चाहिए, प्रॉपर पेन होना चाहिए, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपने पहले से डाटा तैयार होना चाहिए, क्या नाम है, कितने स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। अब ऐसे ही तो नहीं जाते हो ना, पूरा एक अपना परफॉर्मा लेके जाते हो, तब जाके आप चीज़ों को मेंशन करते हो। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। देन ये मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये क्रॉनिकल वे में भी आते हैं पूछने के लिए। 8 स्टेप्स है, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, प्रपेयरिंग एंड रिसर्च डिज़ाइन, डेवलपिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, सैम्पल प्लानिंग, देन आपका राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ एनालाइजिंग डाटा, एंड एंड पे क्या आप लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो। रिपोर्ट में भी आपका ये जो एरिया है स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट होती है उसका क्रॉनिकल ऑर्डर आप बता दो। तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर है, ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रॉनिकल वे में पहले आपका टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है, एपिडिक्स होते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विश आपका GRF क्वालिफाई हो और आप अच्छे से अपनी लाइफ में आगे जाके एक अच्छे कॉलेज में आपका PhD का एडमिशन हो जाए, एंड आई विश आपका JNU में ही हो।